दिनों की सियासी खींचतान के बाद अशोक गहलोत बने राजस्थान के मुख्यमंत्री, जबकि सचिन पायलट के खाते में गया उप मुख्यमंत्री का पद। राफेल विमान डील पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत, जांच की मांग करने वाली सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। राफेल डील पर संसद में सीन बदला, राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, लोकसभा 17 दिसंबर तक के लिए स्थगित। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार को घेरा, कहा आर्थिक मोर्चे पर 5 साल में कोई प्रगति नहीं हुई, नौकरियां पैदा नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हरी झंडी मिली, 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, राजस्थान छत्तीसगढ़ पर फैसला आज। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रही अर्चना चिटनिस ने चुनाव हारने के बाद खुलेआम धमकी दी, कहा जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया उन्हें रुला दूंगी। बुलंदशहर में मुख्य आरोपी को पकड़ पाने में नाकाम यूपी पुलिस, अब कौकशी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगी। 2012 में आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोपी यूपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता और प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता हिरासत में ली गयी। और नेपाल ने 2,500 और 200 रुपए के भारतीय नोट के इस्तेमाल को गैरकानूनी करार दिया।